अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार जो भी यूके आता है वो बंदा ये ख्वाब लेके आता है ऑब्वियसली कि मैंने यहाँ पे पक्का होना है, मैंने पीआर लेनी है और मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब लेके मतलब फ्यूचर यहाँ पे अपनी एटलीस्ट नेशनैलिटी लेनी है, वापस जाना है, यानी वो एक बात की बात होती है। अगर किसी ने जाना भी है तो वो भी यही सोचता है कि मैं आया हूँ तो मैं पासपोर्ट लेके वापस जाऊँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि जो 5 हाई डिमांड जॉब इन यूके हैं वो कौन सी हैं। 5 या 6 ऐसे डिसिप्लिन पे बात करूंगा जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है यूके में, मतलब वो कह लें कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है और वो यूके में लोग उन लोगों की हर वक्त डिमांड होती है। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी तो सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। हाई डिमांड जॉब से मुराद वो है जिनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लोगों की, और उन लोगों को ये पीआर या स्पॉन्सर्ड कह लो स्पॉन्सरशिप उन लोगों को ये आराम से दे देते हैं। वो जॉब जो है वो हाई डिमांड में आती हैं। अब ऐसी जॉब जो आपको स्पॉन्सरशिप दिला सकती है वही आपको पीआर और नेशनलिटी के करीब कर सकती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो कौन सी ऐसी डिग्री है जो हमें ऐसी जॉब दिला सकती है जो कि हमें स्पॉन्सरशिप दिलाए। तो ये जो स्टूडेंट आ चुके हैं, जो आने वाले हैं और जो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके पास अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो जो भी बंदा उसके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये वीडियो स्टूडेंट के लिए इसलिए आते भी फायदे में है कि उनको अपना करियर चूज करने में आसानी होगी और अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर को अल्टरनेट करने में आसानी होगी कि वो कौन सी फील्ड को चूज करें जिसकी बेसिस पे वो यहाँ पे पीआर ले लें और स्पॉन्सर्ड जॉब ले लें और कल को यहाँ पे अपना पासपोर्ट लेके यहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। तो टाइम जाए किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, दिस इज डॉक्टर हमदा एंड मैं यूके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए या जो यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनके लिए बहुत सी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके बार बार आता रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूके में यार हाई डिमांड जॉब में सबसे पहले नंबर पे जो जॉब आती है वो आपको सबको पता होगा, आप शॉक नहीं होंगे सुन के, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जॉब है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूके में कह लेंगे साल में 365 दिन है तो वो 370 दिन हाई डिमांड रहते हैं। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हमारी सोच होती है 2-3 डिसिप्लिन तक। अब मैंने रिफाइन करना है इस चीज़ को कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आप क्या क्या देख सकते हो। हमें लगता है कि सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस और फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट ही होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि आपको स्पॉन्सर्ड जॉब और पीआर तक लेके जा सकती हैं। तो सिर्फ यही 3-4 डिसिप्लिन नहीं है जिसमें आप हेल्थ केयर में जा सकते हो। लेट सपोज हेल्थ केयर में आप पब्लिक हेल्थ से मुराद है कि आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में जा सकते हो, डेंटिस्ट में जा सकते हो और उसके अलावा आप पैरामेडिक्स में जा सकते हो। ये सारी वो फील्ड हैं जो कि आपको एटलीस्ट एक पॉइंट पे जाके स्पॉन्सर्ड जॉब भी दिला सकती हैं, और उसके बाद आपकी अगर इस ऐसी किसी फील्ड में स्पॉन्सर्ड जॉब हो जाती है जिसका मैं जिक्र करूंगा तो इस स्पॉन्सर्ड जॉब पे आपका लाइसेंस कैंसिल होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं क्योंकि ये 2 नंबर कंपनियां तो होती नहीं है। तो आप अगर काम 1 नंबर तरीके से अच्छा काम करते हो तो आप इस स्पॉन्सरशिप के जरिए पीआर तक जाते ही जाते हो। तो और ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना, इनकी जो स्टार्टिंग जो सैलरीज हैं वो छोटे रैंक पे जो सैलरीज हैं वो 30,000 पाउंड से स्टार्ट होती हैं ऑलमोस्ट। तो इनकी बहुत अच्छी ज़्यादा डिमांड है। और जो अगर हायर रैंक पे बात करें डॉक्टर्स की या फार्मासिस्ट की या फिजियोथेरेपिस्ट की तो वो 45,000-50,000 से उनका स्टार्ट है एनुअल सैलरीज का। तो बहुत बहुत हाई रेटेड जॉब्स हैं ये, और इसमें इसके अलावा भी बहुत वैरायटी है। आप मेडिकल प्रोफेशन अगर लेके यहाँ पे आते हो ऐसा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप यहाँ पे उसकी बेसिस पे स्पॉन्सर्ड जॉब ले लोगे। नंबर 2 पे जो हाई डिमांड जॉब में सबसे ज़्यादा इन है वो है इंजीनियरिंग फील्ड की जॉब। अब इंजीनियरिंग आपको पता है कितनी तरह की होती है, सॉफ्टवेयर है, एरोनॉटिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है और ऐसी बहुत सी इंजीनियरिंग्स हैं। तो इंजीनियरिंग की फील्ड आप सबको पता है, इंजीनियर हमें हर इंडस्ट्री में भी चाहिए हैं, हर अपग्रेडिंग फील्ड में हमें इंजीनियर चाहिए हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर इंजीनियर चाहे वो सिविल इंजीनियर है। तो इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा मांग है, आप कोई भी इंजीनियरिंग करते हो। अब आप सर्च ये कर सकते हो कि किस इंजीनियरिंग फील्ड की यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अब इंजीनियरिंग आपने सूट कर ली है तो आप रैंक करोगे ना कौन सी इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी है जिसकी हम अच्छी सैलरी कल को हम हासिल कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग जो फील्ड है उस पर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं और बहुत आराम से जॉब मिल जाती हैं। अब इनकी इंजीनियरिंग फील्ड की जो जॉब्स हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 32-33 हज़ार पाउंड से लेके 65,000-70,000 पाउंड तक एनुअल सैलरीज होती हैं इनकी। हेल्थ केयर में इससे भी ज़्यादा होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ साथ साथ कि ये जो होते हैं ना जॉब्स हैं लाइक हेल्थ केयर की जो जॉब्स हैं वो बेसिकली एनएचएस के अंडर आती हैं। आप सबको पता है जैसे हमारा यहाँ पे हेल्थ सरचार्ज होता है वो भी एनएचएस को हम पे करते हैं। तो जो एनएचएस है वो खुद से भी इंडिविजुअल हायरिंग भी करती है और इन्होंने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर एजेंसीज भी रखी होती हैं जो कि एनएचएस को बंदे प्रोवाइड करती हैं। लेट्स सपोज एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसने हर साल 1 साल में 500 बंदा इनको देना, दूसरी एजेंसी का होगा उसने 1,000 देना है या 800 देना है।
तो इस तरह आप डायरेक्ट एनएचएस के थ्रू भी जा सकते हो और जो नीचे कंपनियां हैं उनके थ्रू भी आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, और उनको कंपनियों के थ्रू आपको जॉब ज़रा आसानी से मिल जाती है यार। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनीज के थ्रू जब आप जाते हो तो आपकी वेज थोड़ी सी कम होती है ओरिजिनल सैलरी से। इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड में है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, और आप एजेंसीज के वाया भी रूट कर सकते हो अपने पाथवे को। हर फील्ड में आप एजेंसीज ढूंढ सकते हो। अब आपने एजेंसीज कैसे ढूंढनी है वो उसके लिए आप गूगल, यूट्यूब और ये सारे प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हो, और इंडीड तो फिर जिंदाबाद है, उस पर तो हर चीज़ आपको मिल ही जाती है। और अब अगर बात करें तीसरे नंबर पे जो हाई डिमांड जॉब है यूके में, वो है आईटी प्रोफेशनल। आपको पता है आईटी अब दुनिया में किस शोबे में नहीं इन है। आईटी प्रोफेशनल में हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर आ जाते हैं, वेब डिज़ाइनर आ जाते हैं, एसईओ एनालिस्ट आ जाते हैं, आईटी बिजनेस एनालिस्ट आ जाते हैं, और ऐसी ढेर सारी फील्ड है। मतलब जो भी बंदा इनको टेक्नोलॉजी में फ़ायदा दे सकता है उसको ये हाथों हाथ चुटकियों में लेते हैं, ठीक है। तो आईटी प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप आईटी का अगर कोई भी कोर्स करते हो और आप उसको दिल लगा के करते हो, आपके पास स्किल अच्छी है, आपके हैंड में ग्रिप है, तो ये लोग आपको ज़रूर जॉब देते हैं। और अगर एक बार यहाँ पे जब बंदा फील्ड की जॉब में अट जाता है ना, या लग जाता है एक बार, तो ये लोग क्या, अगर फॉरेन स्पॉन्सरशिप नहीं भी देते तो ये लोग कहते हैं कि यार आप हमारे साथ 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट करो या 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट करो, हम आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम, अगर हमें लगा आप सूटेबल हो तो आपको हम वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे। तो ये कोई बुरी डील नहीं होती, आपको फ़ौरन एक्सेप्ट करना चाहिए। 3 महीने 6 महीने देने से कुछ भी नहीं होता, आपकी वर्थ बनती है, आपका एक्सपीरियंस बनता है। आप वो कंपनी आपको जॉब ना भी दे, नेक्स्ट कंपनी आपको ज़रूर जॉब देगी, क्योंकि आपका यूके की कंपनी के साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये है तरीका यहाँ पे जॉब लेने का। लेकिन फ़ौरन से अक्सर चीज़ें नहीं होती, वक्त लगता है चीज़ों को होने में। और आईटी प्रोफेशनल में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी ऑलमोस्ट कोई 30-32 हज़ार पाउंड से लेके ऊपर, फिर ये बढ़ती जाती है, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस क्या है और आपकी स्किल कितनी है हाथ में। अब चौथी हाई डिमांड जॉब के बारे में बात करने से पहले, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो वो आपका और आपके जानने वालों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चौथे नंबर पे जो लोग यहाँ पे हाई डिमांड में है वो है एचआर के बंदे, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन आपको पता है यहाँ पे आती रहती है, लिस्ट उसकी बनती है, तो उसमें क्या होता है लोग एप्लीकेशन डालते हैं। आपको पता है यहाँ पे कितना स्टूडेंट आता है, तो वो एप्लीकेशन डालते हैं सारे स्टूडेंट यहाँ पे जॉब के लिए, तो एक अंबार लग जाता है एप्लीकेशन का, जिसको मैनेज करने के लिए इनको एचआर चाहिए, एचआर में बंदे चाहिए जो कि उनका एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करते हैं और उनमें रैंक करते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इनका क्राइटेरिया है उसको रैंक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बंदों को वो लोग बुलाते हैं और उनकी मीटिंग्स और उनके इंटरव्यूज अरेंज कराते हैं। तो ये एचआर भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और ये है कि इसमें आपको डिग्री में ज़्यादा कोई हाई फाई नंबर लेने की जरूरत नहीं, आप एक सिंपल एचआर की डिग्री करके इसमें आप जॉब ले सकते हो और आपको बाद में स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज है वो भी 28 से 30 हज़ार पाउंड तक आती हैं स्टार्टिंग एनुअली, और फिर वो बाद में आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाती हैं। ऑब्वियसली इसमें एक्सपीरियंस, इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी ज़्यादा वर्थ होगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने सर्च की है, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड्स एनालिस्ट। कंस्ट्रक्शन वाले जो है ना, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड में वो लोग आते हैं, इसमें स्किल्ड लोग जो आते हैं जिनके पास स्किल होती है डिग्री के साथ, लाइक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, और उसके अलावा कारपेंटर है, इस तरह के जो भी स्किल्ड है ना वो आते हैं इस सब फील्ड में, और इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन की फील्ड यूके में कितनी ज़्यादा इन है, यहाँ पे हर रोज़ नई नई कंस्ट्रक्शन होती रहती हैं, उसमें इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन वाला अमला भी शामिल होता है। तो अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लाइसेंस है और डिग्री है, और आपके पास प्लम्बर से रिलेटेड कोई भी डिग्री है ना इस स्किल में आपके पास यहाँ पे, तो आपको यूं करके स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और वीज़ा भी मिल जाता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड्स वाले हैं, इनकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी होती है, ऑलमोस्ट 40 हज़ार पाउंड के करीब इनकी एनुअल स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर ये किसी कंपनी के साथ काम करते हैं। तो अगर आप किसी भी स्किल के साथ यहाँ पर डिग्री लेके आते हो ना, और यहाँ या फिर यहाँ आके डिग्री ले लेते हो और साथ स्किल ले लेते हो, तो आपको बड़े आराम से स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है, और वो स्पॉन्सर्ड जॉब आपको अल्टीमेटली पीआर और नेशनलिटी तक ले जाती है। तो ये था आज की वीडियो से रिलेटेड सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। अगर मैं टाइम निकाल सका तो ज़रूर आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा, लेकिन जिन लोगों के क्वेश्चन पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, तो आई एम रियली सॉरी। बेहतर है कि अगर आप लोग क्वेरी डायरेक्ट मैसेज के साथ ही लिख दो, क्योंकि सलाम का जवाब देने का और वो ऑल दैट इतना ज़्यादा टाइम का अक्सर नहीं मिल पाता, तो उसके लिए दिल से सॉरी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।